नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुमिंद्रा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं गेट का जो पेपर होने वाला है उसके संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो सभी छात्रों को ध्यान रखने के लिए हैं कि कैसे पेपर में हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कैसे क्वेश्चंस को हम सेव करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो पहली बार इस तरह के ऑनलाइन एग्जाम्स देने जा रहे होंगे कोरोना की वजह से। दोस्तों कुछ ऐसे भी होंगे जिन कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन दोस्तों के लिए मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो आइए चलिए दोस्तों, हम गेट के लिए चलते हैं कि क्या कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को सेव करेंगे और कैसे पता चलेगा कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और कितने हमारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, समय कहाँ पे दिखाता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम देते हैं। और मॉक टेस्ट जो अभी अपलोड हुआ हुआ है गेट के साइट पे, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमको लॉगिन करना होगा गेट के लिए। तो सबसे पहले हमने गूगल पेज खोला, गूगल पे गए, गूगल पर हम टाइप करेंगे गेट 2021 और हम इंटर करेंगे, हमारा ये पेज खुल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इस पे जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो कैंडिडेट लॉगिन करेंगे दोस्तों। तो कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, आइए हम कैंडिडेट लॉगिन करते हैं। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद कुछ चीज़ें आपसे दोबारा मांगी जाएंगी, तो आइए कैंडिडेट लॉगिन करते हैं। देखिए दोस्तों, कैंडिडेट लॉगिन के लिए हमने पहले कैंडिडेट की लॉगिन कर रखी है, तो आइए हम एक बार फिर से आपको लॉगिन करके दिखाते हैं कैसे लॉगिन करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा या आपको जो भी इनरोलमेंट आईडी है वो, तो मैं दोस्तों ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ। दोस्तों हमने ये ईमेल आईडी डाल दी, अब आगे आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आइए दोस्तों पासवर्ड डालते हैं। दोस्तों हमने पासवर्ड भी डाल दिया है, अब हम इसको यहाँ से कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद हमारा नया पेज खुल के आएगा, तो आइए चलिए सबमिट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा नया पेज खुल के आया। अब इस पेज पर देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इसको यहाँ से पढ़िए और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो संभवतः मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो हम इसको छोड़ते हैं और आगे के पेज पर चलते हैं जो हमारा मेन का काम है। तो हम अभी फिलहाल होम पर हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप गेट के 2021 पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल के आएगा, यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध हैं, आप यहाँ से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को ज़रूर देख करके जाइएगा और IIT बॉम्बे ने उस वीडियो को बनाया है। देखिए दोस्तों, एक नया पेज खुल के आया और इस पेज पर देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो ऑफ एग्जाम डे, प्रोसेस फॉर कैंडिडेट्स, इसको देख करके जरूर जाएं। एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर डाउनलोड दे रहा है, गेट 2021 सैम्पल एडमिट कार्ड दिया, डिटेल शेड्यूल ऑफ द गेट 2021 एग्जामिनेशन। तो दोस्तों हम इन सब चीज़ें देख लेंगे, हम बात करेंगे गेट 2021 मॉक टेस्ट लिंक की। तो दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं और मॉक टेस्ट के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं मॉक टेस्ट के लिए। तो आइए दोस्तों मॉक टेस्ट देते हैं, गेट 2021 मॉक टेस्ट, हमें फिर से एक नया पेज खुल के आता है। और इसमें दोस्तों आप अपने कोर्स के अनुसार जो है कोई भी एक मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का पेज ओपन करता हूँ। सबसे ज़रूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो नए हमारे दोस्त पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है कि आपको यहाँ पर सेंटर पर उपलब्ध कराया जाएगा ये दोनों डाटा। आप इसको जब ले डाटा जब आपको मिलेगा आप इसको सेंटर से, तो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद साइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप हो चुका है क्योंकि मॉक टेस्ट है और ये गेट के द्वारा दिया गया, तो आपको यहाँ कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर सेंटर पर आपको ये आईडी और पासवर्ड दोनों मिलेगा, आपको इसके अनुसार लॉगिन करनी होगी। तो दोस्तों ये आईडी और पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से साइन इन करिए, साइन इन करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर का पेज खुल करके सामने आता है। देखिए दोस्तों ये एक नया पेज खुल के आया है, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि टोटल टाइम एग्जामिनेशन 180 मिनट्स ऑन द राइट हैंड साइड, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर दिया है क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर एंड द काउंट डाउन, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। द क्वेश्चन
पहले डिस्प्लेड ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑन स्क्रीन विद द स्टेटस ऑफ द क्वेश्चन एंड यूजिंग द फॉलोइंग सिंबल्स। तो ये सिंबल्स का आप ध्यान रखिएगा कि जिन क्वेश्चंस को आप अभी तक देख नहीं पाए उनको सफ़ेद कलर में दिखाया गया है, कुछ रेड में जो दिखाया गया है उनका आंसर आपने नहीं किया हुआ है। नॉट मिस्ड द क्वेश्चन 8 सफ़ेद, नॉट आंसर द क्वेश्चन 2 जिनको आप सीन कर चुके हैं बट आंसर नहीं करे हैं तो वो ग्रीन रेड कलर से दिखेगा, जिनको आपने सीन किया और आंसर दे दिया है वो आपके ग्रीन कलर से दिखेंगे, और आपने जिनको रिव्यू के लिए छोड़ रखा है वो ब्लू कलर का दिखेगा एंड विल बी कंसिडर्ड। तो ये कुछ जानकारियां हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट ये देख लीजिएगा एरो का क्या मतलब है। यू कैन क्लिक ऑन द एरो विच अपीयर्स टू द लेफ्ट क्वेश्चन पैलेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन प्लेट पैलेट देयर बाय द मैक्सिमाइजिंग द क्वेश्चन विंडो। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाएंगे और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम आते हैं सीधे और आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पर ऑप्शन आता है कि हाँ मैं तैयार हूँ क्वेश्चन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक नया पेज खुलता है और इस पेज पे आपका क्वेश्चन पेपर खुल के आता है। दोस्तों ये रहा आपके क्वेश्चंस, जिसमें 10 क्वेश्चंस के नंबर हैं और ये क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड खुल के आया हुआ है दोस्तों। तो ये जनरल एप्टीट्यूड है और जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज कन्फर्म्ड बाई, हमने मान लिया कि इसमें इसका ऑप्शन नंबर 1 सही था, तो हमने इसको 1 क्लिक किया। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सेव एंड सबमिट, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट का। दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखा, आपने ऑप्शन लगाया, इसके बाद आप सेव करेंगे। ये सेव करना मत भूलिएगा वरना आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सेव नहीं होंगे और वो अनसॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपने उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लगाया और आपको फिर याद आया कि नहीं नहीं हमारा ऑप्शन नंबर भी है, तो आप यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स करके यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, यानी देखिए जो ऑप्शन आपने लगाया था उस पर से हट गया। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन नंबर 2 है, तो चलिए 2 लगाए और हमने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन आपने किया ग्रीन हो गया, अब आप दूसरे क्वेश्चन पे हैं, तीसरा क्वेश्चन आपने सीन नहीं किया इसलिए व्हाइट कलर का है, आप दूसरे क्वेश्चन पर हैं और आप उसका आंसर करेंगे इसलिए अभी वो ग्रीन या रेड कलर का दिख रहा है। तो दोस्तों आप मान लीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपने बी लगाया, आपके यहाँ फर्स्ट लगा दिया, फिर इसके बाद आपने इसको सेव किया और नेक्स्ट करेंगे। तो आइए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, देखिए सेव हो गया, आप यहाँ पर आ गए। तीसरा क्वेश्चन आया, इसका भी हमने 1 लगाया और हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए आपने 3 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, आपने इसका आंसर कर दिया है, यानी कि तीनों ग्रीन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको नहीं आया, आप इसको पांचवें के लिए यानी कि मार्क एज रिव्यू फॉर द नेक्स्ट अगर करना चाहते हैं, जैसे आपको इसमें डाउट है तो आपने 2 क्वेश्चन में जैसे ऑफिशियल ऑफिशियल 2 में तो इसको आपने सेकंड पे लगाया बट आपको डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, तो ये आपको दिखाएगा कि अभी आपका इसका क्वेश्चन का आंसर रिव्यू लेना है। आप देखिए यहाँ पर इसका आपने क्वेश्चन लगाया और सेव कर दिया, ठीक है। और आपको अगर सातवां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप सीधे आठवें जाना चाहते हैं, तो आप क्लिक करिए 8 पे। अब देखिए सातवें का आपने आंसर नहीं दिया है तो वो यहाँ पर छठे का देखिए, छठे का आपने आंसर नहीं दिया था, आप आ गए थे सातवें नंबर क्वेश्चन पे, तो सातवें पे आते हैं। सातवें का आंसर आपको जो भी लगाना है लगाएं और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें। देखिए 7 नंबर हो गया, अब आठवें क्वेश्चन पे हैं आप, आठवां भी आपको नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट करिए, नौवां पे आ गए आप। देखिए तो ये जो क्वेश्चन आप बीच बीच में छोड़ देंगे जिनका आंसर आपने सीन किया और उसका आंसर नहीं पता है तो आपको ग्रीन रेड कलर का दिखेगा, बाकी ये रिव्यू वाला ऑप्शन था। मान लीजिए आपको जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपने जो लगा रखा था वो गलत है तो आपको कैसे जाना है पीछे, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे क्वेश्चन पर क्लिक करिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। आपने यहाँ पे अपना आंसर दूसरा लगाया, सेव किया और सेव एंड नेक्स्ट किया, तो ये आपको ऐसे खुल के आएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो आइए बात करते हैं। आपको आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर एक कैलकुलेटर का सिंबल बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कर्सर से, तो ये रहा आपका कैलकुलेटर और इसका इस्तेमाल आपको करना होगा जैसे बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में करना है तो आप कैलकुलेटर को यहाँ पर करिए, जनरल एप्टीट्यूड में भी आप करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक करिए, कैलकुलेटर खुल के सामने आता है। कैलकुलेटर में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो हम जनरल कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं उस जनरल कैलकुलेटर में हमें पहले लॉग या जो भी हमारे जो डाटा निकालने वाले लॉग होगा
फिर यार पावर हो गया, तो पहले हमको टाइप करना पड़ता है लॉग, तब जा करके हमारा फिर नंबर टाइप करते हैं तब जाके हमें वैल्यू मिलती है। बट यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटर का फॉन्ट अलग है, तरीका अलग है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए 1 का लॉग निकालना है, तो आपको पहले नंबर टाइप करना पड़ेगा 1, देन आई यू पुट टू द लॉग, देन 1 लॉग 1 की वैल्यू 0। तो दोस्तों ये थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है आम कैलकुलेटर की तुलना में, इसको ध्यान रखिएगा। आपको जब भी लॉग निकालनी होगी तो आपको पहले वैल्यू पुट करनी है, देन आपको लॉग टाइप करना है यानी कि क्लिक करना है, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। दोस्तों जैसे आपको पावर निकालना है तो 5 का पावर निकालना है, तो 5 टू द पावर 5 पे पावर 2 निकालनी है, तो 5 पर क्लिक करिए। यहाँ पर x टू द पावर y है, यानी कि x टू द पावर y यानी कि हमारा x 5 और y पावर पावर देनी है 2। दोस्तों तो हम यहाँ पर 2 क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आ गया होगा, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा है इसको इस्तेमाल करने की हमने बताई। और हम जैसे 1 का निकालना है लॉग, तो 1 अपने 1 लॉग कर दिया, तो ये आ गया आपका इन्फिनिटी आ गया। आप पहले लॉग टाइप करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको पहले वैल्यू पुटअप करनी है, जैसे 1 देन लॉग 0। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ से आप क्लियर करिए, अगर आप पहले लॉग डाल देंगे और 1 डालते हैं तो वैल्यू आपको 0 की दिखाएगी ना कि 1 की। तो थोड़ा दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पे टाइमर दिखा रहा है कितना टाइम आपका बचा हुआ है, बाकी ये क्वेश्चन आप करिएगा जैसे भी आप। बाकी जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका ये हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी ये जानकारी दीजिएगा। और आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।